नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपकी मेरे अपने चैनल और आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हमने एक नई जो है सीरीज स्टार्ट की है, मिशन सीटेट जुलाई 2020। हाँ दोस्तों, मिशन सीटेट जुलाई 2020 यानी 5 जुलाई का जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ये बात चलिए L2 के लिए, लेवल फर्स्ट की नहीं है, लेवल टू की बात है। तो दोस्तों, लेवल टू के लिए जो NCERT की जो किताबें हैं उनसे हम जो है उनको पूरा उनका जो सिलेबस है वो कवर करवाएंगे, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 की जो भी SST की बुक्स हैं, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की हो, इसमें जो है हम टॉपिक वाइज इसको जो है हम कक्षा 6 की पहले ज्योग्राफी की बुक जो है जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, उसके सारे जो लगभग 8 पार्ट हैं वो सारे 8ों पार्ट हम कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों, पिछले जो सीटेट का एग्ज़ाम जो मैंने दिया था और उसको क्रैक किया था, उसमें भी अब आप यह कहोगे कि टॉपिक वाइज वो टॉपिक पढ़ाओ जो हमारे सिलेबस में, तो दोस्तों वो टॉपिक कोई पता नहीं होता है। हर टॉपिक हर पार्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार जो है एक क्वेश्चन आया था, शायद आप सबने अगर पेपर देखा तो उसमें प्रश्न आया था पृथ्वी और चंद्रमा वाला, तो वो भी इन्हीं पार्टों में से क्वेश्चन था। तो दोस्तों, इसलिए हर पार्ट को करना है, जिससे कोई भी लाइन उठा ले वो, उसका CBSE का पता नहीं होता कि कहाँ से भी वो लाइन उठा सकते हैं, इसलिए हम हर पार्ट को कवर करते चलेंगे। पहले मैं आपको जो है भूगोल पृथ्वी हमारा आवास जो पुस्तक है NCERT Class 6 की, इसके 8ों पार्ट करवाऊँगा, फिर हम Class 6 की हिस्ट्री करेंगे, फिर पॉलिटी करेंगे, फिर 7th क्लास की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपका पूरा सहयोग चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही ये पूछ लिया था कि कौन कौन सीटेट की तैयारी कर रहा है और क्लासेस स्टार्ट करनी है नहीं। तो अच्छा रिस्पॉन्स होने के बाद, अगर ये इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तब तो दोस्तों रहेंगे कंटिन्यू, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रिस्पॉन्स आप लोग अगर आप हमें अच्छा सहयोग करोगे तो हम भी बेटर करने की कोशिश करेंगे और आपका सहयोग अपेक्षित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है पहला पार्ट शुरू करेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखो, ये है ग्रहों की स्थिति। ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है कि ये शनि है, ये क्या है, बुध है, ये बृहस्पति है, ये पृथ्वी है हमारी, ये मंगल है, ये नेपच्यून है, ये प्लेटो जो कि बौना ग्रह हो चुका है अब, ये शुक्र है और ये यूरेनस है। इनको आप जो है वरुण और अरुण के नाम से भी जानते हो, अरुण तो इसका नाम है, वरुण और यम के नाम से भी जानते हो। तो देखो, सबसे पहले हम सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्याएं बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले एवं कुछ धुंधले होते हैं। यानी कुछ तो हमें बहुत चमकते दिखाई देते हैं और कुछ होते हैं धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों, यानी आकाश में क्या जड़े हो, हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, यानी कुछ ऐसे चमकते हुए टिमटिमाते हमें प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखो तो आप पाओगे इनमें से कुछ की टिमटिमाट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाट के चंद्रमा के सामने चमकते हैं, यानी कुछ तो टिमटिमाते हैं और कुछ बिना टिमटिमाट के चंद्रमा के सामने चमकते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं, यानी इन सब वस्तुओं के साथ हम प्रतिदिन जो है किसी को देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा को देखते हैं। ये अलग अलग वस्तुएं समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ती है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी पूर्ण चंद्रमा को हम कब देख सकते, 1 महीने में एक बार। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, यानी क्या होती है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यानी 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या, यानी क्या क्या होती है, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा व सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। बहुत ही नोट करने लायक योग है दोस्तों कि सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है।
कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसमें वे बड़ी मात्रा से उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, यानी ये खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। और हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान है, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। यानी ये जो रात के समय अनगिनत तारे चमकते हैं, ये हमसे बहुत दूर है और हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से होने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक दूरी पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। और रात्रि में आसमान की ओर दिखते समय हम आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये सब नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो यहाँ भी एक नोट करने बात है कि रात में आसमान की देखते समय आप तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये सब नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अरसा मेजर या बिग बेयर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी सप्तऋषि सात ऋषि यानी सात संत। ये सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल यानी अरसा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपके आसमान में अधिक तारे और ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो है उत्तरी दिशा को बताता है, जिसे हम कहते हैं ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखोगे, यानी आप चित्र 1.1 में देखोगे उत्तर तारा जो है यहाँ, ये देखो यहाँ पर ध्रुव तारा पश्चिम पूर्व उत्तर दिशा, यहाँ पर ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींच दी जाए तो वह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में आपस में प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। यानी ग्रह की परिभाषा होगी कि जो खगोलीय पिंड जिनमें अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती और तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वह कहते हैं ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह। ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है और पृथ्वी को बहुत दूर अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा देखने पर चंद्रमा इतना चमकती प्रतीत होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सौर मंडल की स्थिति दिखाई गई है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कौन सूर्य से कितनी, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले बुध की दिशा बुध को दिखाया गया है। तो बुध है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में 88 दिन और अपने घूर्णन पर 68 दिन लेता है। ये देखो बुध को 58 दिनों की ज़्यादा दिखाया गया ना, तो ये अपन सूर्य के चोर जब चारों ओर चक्कर लगाता है तो लगभग इसको लगते हैं 88 दिन दोस्तों, और जब ये अपने अक्ष पर घूमता है तो इसको लगते हैं दोस्तों 59 दिन। ये है बुध की स्थिति। अब देखो ये है बुध की स्थिति, ठीक है। अब देखो इसको हम जो है ये बुध की स्थिति है। इसके बाद आपको देखो इसको मैं ऐसे देख लेते हैं, इसको ऐसे देखो यहाँ देखोगे आप इससे बैठने, हाँ ऐसे देख लो, ऐसे थोड़ा इसको इस प्रकार देखो, ठीक है। बुध का हम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र की देखो अपने जो चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर लगाता है तो 255 दिनों में, और अपने चक्कर लगाता है लगभग 243 दिनों में, ठीक है। इसके बाद बताएगी ये पृथ्वी की। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 365 दिनों में, अपने घूर्णन पर घूमती है 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या 1। मंगल जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं 687 दिनों में, अपने अक्ष पर घूमता है 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या 2 बार। बृहस्पति सूर्य के चारों चक्र में लगाने में समय लगता है 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल, और अपने अक्ष में घूमता है वो 9 घंटे 56 मिनट, और चंद्रमा की संख्या लगभग 53। शनि जो है सूर्य के चारों ओर अपने परिक्रमण पर 29 साल 5 महीने में घूमता है, और अपने अक्ष पर घूमने करता है 10 घंटे 40 मिनट में। चंद्रमा की संख्या लगभग 53।
यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है 84 साल में और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 17 घंटे 14 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 27। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो नेपच्यून है वो 164 साल में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 16 घंटे 7 मिनट, चंद्रमा की संख्या 17। अब देखो आगे आगे हम पढ़ते हैं, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है और ये हमारी पृथ्वी का साथर है, इसके चारों ओर चक्कर लगता है। ये हमारी पृथ्वी का साथर है, इसकी चारों चक्कर लगाता है और हमारी पृथ्वी के समान साधारण ग्रह जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं उनके उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, यानी उनके उपग्रह हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य। तो देखो सबसे पहले सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य और सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, जिसकी ऊष्मा को तेज को हम सहन महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे अधिक नज़दीक तारण ये हमसे दूर है और सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और सूर्य से दूरी याद करने के लिए एक ट्रिक इन्होंने दे रखी है, माय वेरी इफिशेंट मदर जस्ट सर्वड यूज नट्स, यानी मेरी प्रिय माता ने मुझे नट्स यानी मूंगफली या दाने दिए। अब देखो इसको याद करने का ये देखो इन्होंने तरीका दिया, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वड मी यूज नट्स, तो एम से बनेगा मरकरी यानी बुध, वी से बनेगा विनस यानी शुक्र, ई से बनेगा अर्थ यानी पृथ्वी, एम से बनेगा मार्स यानी मंगल, जे से बनेगा जुपिटर यानी बृहस्पति, एस से बनेगा सैटरडे यानी शनिवार, यू से बनेगा यूरेनस और एन से बनेगा नेपच्यून। ये याद रखने की ट्रिक्स है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले ये कहलाते हैं कक्षा। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने वाले इसे केवल 88 दिन लगते हैं और सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लेटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय के कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस तथा प्लेटो को है बोना ग्रह कहा जाने लगा। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी 3रा ग्रह, आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके समान आकार को हम भूआब कहा जाता है। भूआब का मतलब पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पानी और वायु दोनों उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये इतना बड़ा नहीं है क्योंकि यह हमारे खगोल ग्रहों से अनेक खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है और अब आप पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा की तुलना की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब देखो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने समय में यह अपने कक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। और यही क्वेश्चन दोस्तों CTET 2019 के दिसंबर माह में जो पेपर हुआ था उसके अंदर SST में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और वह अपने अक्ष पर इतना चक्कर पूरा करता है, ये कथन सत्य है ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए NCERT की लाइन-टू-लाइन क्वेश्चन उठाए जाते हैं CTET में, तो आपको हर लाइन को ध्यान से रखना है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ
जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इसकी छाया को देखा जा सकता है। शुद्र ग्रह के दिन कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? शुद्र ग्रह। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्र ग्रह ग्रहों की ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने के होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी उल्का पूरी तरह जले हुए बिना पृथ्वी गिरते जैसे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप तारे वाले खुले आकाश में एक और दूसरी तरफ फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकते देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी जो है आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा की भाग है और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा देशों की प्रणाली, इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं जो है हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सब किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका पाठ कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको पाठ की जो है लाइन टू लाइन याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय।